रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर फाइव है जी मेरे पास, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास पेज नंबर है जी, पेज नंबर 65। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 65 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 65 पे आ जाइए तो सबसे पहले ये इस ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं। द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट इन इज एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एलिमेंट्स दैट मेक अप एवरीथिंग द यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम। यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये क्या है, ये हमारे पास हमारे जितने भी यूनिवर्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सीक्वेंस से लिखा हुआ है। इट इज़ अ रफली रेक्टेंगुलर चार्ट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एलिमेंट। इसके ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर चार्ट की मार्क शेप है जिसके अंदर हर तरह के एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मस्ट याद करना है। ये पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। द पीरियोडिक टेबल इज सिमिलर टू द अल्फाबेट्स इन विच ऑनली 26 लेटर डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेकअप द मैनी थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। वो कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ 26 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है, बस वो घुमा फिरा कर वर्ड्स को बनाया गया है, अल्फाबेट्स को घुमा फिरा कर लिख दिया है और वो एक नया लेटर बन गया। ठीक है, द 118 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेक अप मिलियन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस को बता रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डिमित्री मेंडलीव अ रशियन केमिस्ट पब्लिश द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इन 1869। अब वो कह रहे हैं कि पहला जो पीरियोडिक टेबल था वो किसने, डिमित्री मेंडलीव ने पब्लिश किया था, और ये कौन से ईयर में किया था, 1869 में। एट द टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। अब उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स का पता था तो वो 63 एलिमेंट्स ही पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए गए। मेल्दी वरेंज दिस एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन हॉरिजॉन्टल रोज। अब वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली मेल्दीव ने जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चले गया वैसे वैसे मेल्दीव ने वो एलिमेंट्स को प्लेस करते चले गए। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब फिर जब मेल्दीव ने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, मेल्दीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेज। फिर मेल्दीव ने कहा कि जब उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया तो उसने कहा कि हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास जैसी होती है। लेटर ऑन द बेस ऑफ द वर्क ऑफ द फिजिस्ट हेनरी मॉसले द पीरियोडिक टेबल वॉज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रादर देन ऑन एटॉमिक मास। अब फिर वह थोड़ा कुछ टाइम बाद एक और फिजिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर स्टडी की जिसका नाम था हेनरी मॉसले। फिर इन्होंने क्या किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या तब्दीली की, इन्होंने ना एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चले जाएगा वैसे वैसे उन्होंने प्लेस आगे करते चले गए। ठीक है, पहले तो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, अब जो कहानी डाली वो उन्होंने एटॉमिक नंबर के ऊपर डाल दी। द पीरियोडिक टेबल इज अ वे ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट वी शो देम इन ऑर्डर टू देयर एटॉमिक नंबर। We arrange by atomic number, the elements show periodicity, which means elements with similar properties appear at a regular interval. वो कह रहे हैं कि फिर जब हम लोगों ने ये जो atomic number को अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लेस किया तो हमें बहुत से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्लियर होना शुरू होगी। इस वजह से आज का जो हम लोगों का जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंगली अरेंज हुआ हुआ है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट की के ऊपर। द बॉक्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन टू ईच एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज एलिमेंट की। यानी कि ये जो बॉक्स होता है जो जिसके जो जो एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखा हुआ होता है इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट की। ईच की कंटेन द एलिमेंट नंबर यूनिक सिंबल एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट की के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, उस एलिमेंट का एक सिंबल मौजूद होता है, एक नेम मौजूद होता है, एटॉमिक मास गिवन होता है और एटॉमिक नंबर गिवन होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल जो है वो ये है, कार्बन का सिंबल सी होता है, ये कार्बन के एलिमेंट का पूरा नाम है। ठीक है, ये इसका मास नंबर लिखा हुआ होता है, कोई भी एलिमेंट है उसका यही सब कुछ होता है, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, फोर चीजें गिवन होती हैं। द पीरियोडिक टेबल हैज लेफ्ट रो लेफ्ट टू राइट कॉल पीरियड। जो लेफ्ट से लेकर लेफ्ट से जो इस तरह से रोज होती हैं वो हमारे पास पीरियड्स होते हैं। जो यू होता है वो कॉलम होता है, टॉप से बॉटम कॉलम होता है, लेफ्ट से राइट पीरियड्स होते हैं। कॉल ग्रुप्स
ठीक है जी। अच्छा, ये जो कॉलम जो टॉप से बॉटम होता है इसको ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर करें, ईच पीरियडिक पीरियड बिगिन विद द एलिमेंट दैट हैज वन इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल। हर जो एलिमेंट है लेफ्ट से राइट में उसके आउटर मोस्ट यानी सबसे आखिर वाले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो ऐसे ऐसे करके फिर जब वो अगले में जाएगा यानी कि साथ वाले को देखेंगे तो उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में टू होंगे, फिर यानी कि इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे फॉर्म लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जबकि वो एक्सेप्ट फॉर पीरियड नंबर वन अगिवन पीरियड एंड विद द एलिमेंट ऑफ द दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक्सेप्ट 8 ग्रुप पीरियड नंबर वन को देखें तो उसके वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता क्योंकि इसका जो लास्ट शेल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर एंड होगा, ठीक है। द रिपीटिंग पैटर्न मीन्स दैट द एलिमेंट विद इन द ग्रुप ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। और अगर एक ही पीरियड में, मतलब कि देखिए अगर हम लोग इसी तरह से जा रहे हैं और सब एक एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है, इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन नंबर है, ठीक है जी। एज अ रिजल्ट द एलिमेंट इन दिस ईच ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसके बाद ज़्यादा से बात फिर प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाएंगी। अब हम लोग ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप को बारे में और पीरियड के बारे में। व्हाट इज़ अ ग्रुप एंड व्हाट इज़ अ पीरियड, ठीक है। पीरियड के अंदर हमारे पास ये जो मैं होता है हमारे पास कॉलम के फॉर्म में अरेंज हुए, सबसे पहले सॉरी ग्रुप के फॉर्म में, जो अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारे पास जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम होते हैं यानी कॉलम के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास द ग्रुप नंबर इज सेम एज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट द ग्रुप 0 और 8। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप नंबर होता है ना सबका एक जैसा होता है। देखिए अगर इसका भी आउटर मोस्ट शेल में 1 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इसके अंदर भी अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 आ रहे हैं इधर से तो आगे भी 1 आते रहेंगे एक्सेप्ट किसके अंदर 0 और 8 के अलावा, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1 एलिमेंट के अंदर अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ग्रुप 2 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो जो ग्रुप नंबर होता है उतने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑल एलिमेंट इन द ग्रुप हैव, जितने भी एलिमेंट के होते हैं एक ग्रुप के अंदर उन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक हो गया। जबकि हम लोग पीरियड की बात करें जो कि हमारे पास ये था 1 2 ये वाला, ये ठीक है। अच्छा, ये वाला इसका ये हमारे पास पीरियड था, ये हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं ग्रुप, अच्छा पीरियड की बात करें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और इसके अंदर हमारे पास जो पीरियड होते हैं वो 1 से 7 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं 8 होते हैं, इधर 7 पीरियड जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। इनके पास हमारे पास सेम नंबर ऑफ शेल जरूर होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते लेकिन शेल एक ही होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड के अंदर 1 शेल है तो इसके अंदर पीरियड नंबर 1 के अंदर 1 ही शेल होगा, 2 2 के शेल ही होंगे, ठीक हो गया जी। अब देखिए पीरियड नंबर 2 है तो उसके 2 शेल होंगे, पीरियड नंबर 3 है तो 3 शेल होंगे, इसी तरह से अप टू 100 हो जाता है, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे भी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।